नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेकर के, जो कि है एक बार फिर वास्तु पे। दोस्तों, क्या आपको आपके जीवन में कभी भी मेडल्स, सर्टिफिकेट, अवार्ड्स मिले हैं? ज़रूर मिले होंगे दोस्तों आपको, या फिर आपके बच्चों को मेडल, सर्टिफिकेट, अवार्ड्स या गिफ्ट्स जो भी मिलते हैं, वो क्या आप अपनी अलमारी में या किसी ड्रॉअर में ऐसे ही रख देते हैं या उसे किसी भी दीवार पे लगा देते हैं? फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा बेस्ट लोकेशन फॉर कीपिंग अवर सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, ट्रॉफीज़ एंड अवार्ड्स, और किस डायरेक्शन में हमें हमारे मेडल्स, सर्टिफिकेट्स, अवार्ड्स और ट्रॉफीज़ नहीं लगानी चाहिए। आई एम दीपक महेश्वरी, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट। दोस्तों, हमें हमारे अवार्ड्स, सर्टिफिकेट्स या ट्रॉफीज़ हमेशा साउथ या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही लगाने चाहिए। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, साउथ और साउथ वेस्ट डायरेक्शंस आर फॉर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, और ये रिटेनिंग जोन है। फ्रेंड्स, जब भी हम हमारे सर्टिफिकेट्स या ट्रॉफीज़ जो हम साउथ या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं, तो ऐसा करने से हम उन्हें और ज़्यादा बल या स्ट्रेंथ देते हैं, और ऐसा करने के बाद हमारे जीवन में हमेशा वो सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज़, मेडल्स और ज़्यादा, या हमारे बच्चों के जीवन में वो और ज़्यादा मल्टीप्लाई होके आने के चांसेस बनाती है। वैसे भी जब हम सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज़ या मेडल्स लगाते हैं, तो कई ट्रॉफीज़ या सर्टिफिकेट्स पे हमारी फ़ोटोज़ भी होती है। अगर हम साउथ या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वो लगाएंगे, तो हमारी जो फ़ोटोज़ है उसका फेस हमेशा नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही रहेगा, या फिर अगर हम साउथ डायरेक्शन में लगाते हैं तो उनका फेस ईस्ट डायरेक्शन में रहेगा। और ये सारी डायरेक्शंस नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शंस प्योर डायरेक्शंस है, इसलिए हमें हमारे सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज़, मेडल्स हमेशा साउथ, साउथ वेस्ट या डायरेक्शंस में ही लगानी चाहिए। हमें हमारी ट्रॉफीज़, मेडल्स या फिर सर्टिफिकेट्स कभी भी नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस नहीं करने चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हम नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इन्हें प्लेस करते हैं, तो जो भी इसमें हमारी पिक्चर्स होती है वो हमारी हमेशा साउथ या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फेस करेगी, जो कि है इम्प्योर डायरेक्शंस। एंड एज़ पर वास्तु, ये डायरेक्शंस में अगर हम फेस करते हैं तो विच इज़ कंसिडर्ड नॉट गुड, और इससे हमारे सर्टिफिकेट्स, पोर्टफोलियो, ट्रॉफीज़ और मेडल्स को स्ट्रेंथ भी नहीं मिलती है, जिससे आने वाले समय में हमारी अपॉर्चुनिटीज़, सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, ट्रॉफीज़ और लेने की कम हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा, और इस छोटे से वास्तु टिप से आप अपने और अपने बच्चों की ज़िंदगी में आने वाली खुशियाँ, जो कि ट्रॉफी, सर्टिफिकेट्स या मेडल्स के रूप में हैं, उन्हें और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी टू पेशेंटली। थैंक यू।